ग्वालियर में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है और सर्दी ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस भीषण सर्दी से बचने के लिए जब लोग बाजार में हीटर खरीदने के लिए पहुंचे तो बाजार में हीटर ही उपलब्ध नहीं थे। जब बाजार में तहकीकात की गई तो पता चला कि पूरे ग्वालियर जिले में ही रूम हीटर का टोटा पड़ गया है और लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि सर्दी से आखिर निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जाए। मजबूरी में दुकानदारों ने दुकान पर नोटिस चस्पा कर रखे हैं कि जिन पर साफ साफ लिखा है कि कृपया हीटर मांगकर शर्मिंदा ना करें। ग्वालियर में इन दिनों सर्दी का प्रकोप चरम पर है। सर्दी में 2.5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में घरों में बच्चों और परिवारों को सर्दी से बचाने का एकमात्र साधन होता है रूम हीटर। लेकिन ग्वालियर के बाजारों से इन दिनों रूम हीटर पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। तमाम दुकानों पर तलाशने के बाद भी रूम हीटर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने एडवांस में कंपनियों को भुगतान कर रखा है, लेकिन कंपनियां रूम हीटर की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। दुकानदार तो यहां तक भी कहते हैं कि जैसे सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, वैसे ही रूम हीटर की शॉर्टेज का पिछले 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है। रूम हीटर ना मिलने की वजह है, पूर्ति से अधिक मांग होने की वजह से, उत्पादन मतलब शॉर्टेज होने की वजह से, ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से, पिछले सालों की अपेक्षा पिछले 8 साल पहले भी इस तरीके की समस्या आई थी कि ठंड ज़्यादा होने की वजह से माल की डिमांड ज़्यादा हुई और पीछे से माल की प्राप्ति नहीं हो पानी। इस वजह से इस साल ही ठंड के माहौल की वजह से डिमांड ज़्यादा हो रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। रूम हीटर की तलाश में ग्राहक भी एक दुकान से दूसरी दुकान पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी जगह एक ही जवाब मिल रहा है कि रूम हीटर उपलब्ध नहीं है। इस बीच दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर नोटिस चस्पा कर रखे हैं, जिस पर लिख दिया गया है कि कृपया हीटर मांगकर शर्मिंदा ना करें, जबकि ग्राहक हैं कि हर रोज बल्कि पिछले 7 दिन से रूम हीटर की तलाश में पहुंच रहे हैं, लेकिन दुकानदारों से ना का जवाब मिलने के कारण वे दुकानदारों से निराश होकर लौट रहे हैं। वो सर्दी की वजह से, मौसम की वजह से हीटरों की शॉर्टेज बहुत ज्यादा चल रही है। हम 10-12 दिन से बराबर लगातार आ रहे हैं, हीटर मिल ही नहीं रहे हैं। कल भी शाम को आए थे, अभी भी देखो खड़े हैं। अब वो कह रहे आ रहे हैं, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। पर डे का 200-300 सप्लाई हो रहे हैं उनके, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं रूम हीटर लेने आया था यहाँ पर और रूम हीटर मुझे यहाँ मिला नहीं है। यहाँ लिखा है रूम हीटर मांगे घर पे शर्मिंदा ना करें। ग्वालियर में बहुत ठंड है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी है, इसका कोई जवाब नहीं है। ग्वालियर में सर्दी के सितम की बात की जाए तो ये सितम अभी खत्म होने वाला नहीं है। मौसम की मार से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग भी खुद इस बात का ऐलान कर रहा है कि नए साल पर ठंड और कोहरे के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सर्दी से निजात दिलाने वाले सबसे आसान उपाय रूम हीटर की कमी परेशानी का कारण बनी हुई है, जो कि बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सबको परेशान किए हुए है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।